नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे एचईएमई ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जो 2019 में ये आयोजित किया गया था एनसीएल द्वारा, और जो एक 2016 में आयोजित किया गया था इसका जो एग्ज़ाम था एचईएमई ऑपरेटर का, वो भी मेरे पास है। अगर आप कहोगे तो मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा, तो आपको कमेंट में बताना होगा कि उसकी वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, जो 2016 में आयोजित हुआ था एचईएमई ऑपरेटर का एग्ज़ाम। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप कहोगे कि सर उसकी भी वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसकी वीडियो जल्दी से जल्द बना दूंगा। तो पहला आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वर्तमान में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब कुमार देव, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का क्या नाम है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री सुनील अरोड़ा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आयुध भारतीय सेना से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है ब्रह्मास्त्र, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम चंद्रयान मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था सन 2008 को, और द्वितीय कब हुआ था? तो द्वितीय हुआ था 2019 को। अब क्या चल रहा है, 2020 यानी पिछले साल ये प्रारंभ हुआ था इसरो का द्वितीय चंद्रयान मिशन 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में व्यंजन है कुल 33, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, हिंदी भाषा भारत देश की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भाषा भारत देश की है राजभाषा, तो इसका राष्ट्र आंसर हो जाएगा। राष्ट्रभाषा आप मत लगाया ना, ये है राजभाषा। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो मैं आपको इस क्वेश्चन में बता दूं कि जो चारों की चारों है ऑप्शन में दी हुई, ये सभी भारतीय क्रिकेट से संबंधित नहीं है, सॉरी भारतीय क्रिकेट से संबंधित है। और इसमें जो एनसीएल ने आंसर दिया इसका विजय मर्चेंट ट्रॉफी, ये विजय मर्चेंट ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट से संबंधित नहीं है, यानी कि चारों की चारों ट्रॉफी जो है ये भारतीय क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो इसका कोई भी आंसर नहीं हो जाएगा। चलिए हमारी तरफ से इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, पर जो एनसीएल ने दिया इसका राइट आंसर दिया है अपना आंसर की में विजय मर्चेंट ट्रॉफी, पर ये विजय मर्चेंट ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट से संबंधित है। आपकी समझ में आ गए होगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले फुटबॉल विश्व कप का मेजबान देश कौन है? तो ये है कतर, तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश केवल एशिया महाद्वीप में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये है रूस, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी योजना भारतीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, और यहाँ पर क्या आना था, यहाँ पर कौशल आना था, लिखा हुआ है कुशल, तो ये नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, अगला क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये आयोजित हो चुका है और इसके विजेता है इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराकर, और ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो इंग्लैंड और वेल्स में ये इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दुबई में, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे, निम्न में से कौन सा अवार्ड भारतीय सैन्य बलों से संबंधित नहीं है? तो आंतरिक सुरक्षा पदक जो है भारतीय सैन्य बलों से संबंधित अवार्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका तो काफ़ी लोगों को, सभी लोगों को पता होगा, तो राष्ट्रपति होता है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। नेक्स्ट हमारा, वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म निम्न में से किस देश में स्थित है? तो यह है भारत देश में स्थित, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर राज्य में ये स्थित है। लगभग इसकी लंबाई है 1400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में श्वेत क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आईपीएल 2020 किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो भारत में आईपीएल 2020 प्रारंभ हुए सन 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की राष्ट्र राजधानी कुल कितने प्रदेशों से घिरी हुई है? तो भारत की राष्ट्र राजधानी कुल दो प्रदेशों से घिरी है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य, आठ तो राज्य लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश से, और एक केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली,
तो टोटल 9 राज्यों से ये घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा पद्मावत किस कवि की कृति है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की कृति है ये पद्मावत। नेक्स्ट हमारा वंदे मातरम की रचना किस कवि ने की, तो वंदे मातरम की रचना की थी बंकिमचंद चटर्जी ने, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा कामायनी काव्य के रचना किस कवि ने की, तो ये की थी जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना कामायनी काव्य की। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा शब्द उपवास का पर्यायवाची नहीं है, तो तंद्रालु उपवास का पर्यायवाची नहीं है, लंघन व्रत और निराहार ये तीनों हैं। नेक्स्ट हमारा अंगीकार का विलोम शब्द नहीं है, तो अंगीकार का विलोम शब्द नहीं है, ऐसे विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा शब्द सही नहीं लिखा है, तो ये लिखे हैं चारों ऑप्शन, तो इसमें बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साप्ताहिक, ये साप्ताहिक होता है ना कि साप्ताहिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला निम्न में से किसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है, तो ये है महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट हमारा कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य स्थित है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है कावेरी जल विवाद। नेक्स्ट हमारा भारत में अंतिम जनसंख्या जनगणना कब संपन्न हुई, तो ये हुई थी सन 2011 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला नगरी के भौगोलिक नाम से कौन सा नगर मशहूर है, तो ये है धनबाद। और इस्पात नगरी के उपनाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो ये है जमशेदपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का क्या नाम है, तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प है कमल, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है, तो रिवर डॉल्फिन है भारत के जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव। नेक्स्ट हमारा वायुमंडल दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर होना चाहिए था, तो कोई नहीं, तो रविंद्रनाथ ठाकुर है भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता। नेक्स्ट है हमारा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो यह है मध्य प्रदेश में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन होता अगर कि भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो वह है अंडमान और निकोबार में। चलिए नेक्स्ट हमारा स्काउटिंग की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी वर्डन पावेल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटरलू निम्न में से किससे संबंधित है, तो वाटरलू युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, अगर सुना हो तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हो, तो ये है नेपोलियन से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब हमारा मैथ से, और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको मैथ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैथ की मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है इसके एचएमए ऑपरेटर कॉमन पेपर की, जो उसमें जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं इस वाले पेपर में, मैंने उनकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अभी वीडियो जाकर वो देख लीजिएगा। और उसके साथ जो एनसीएल के पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, जो भी मतलब कि चाहे वो मानिंग सरदार का हो और पैरामेडिकल स्टाफ का हो और भी जो एग्ज़ाम होते हैं बहुत सारे, उनके भी मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया है, तो आपको उससे ये अंदाज़ा भी लग जाएगा कि एनसीएल कैसे क्वेश्चन पूछता है, और ये भी सारे क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो अब मैं इसमें आपको बस आंसर आंसर बताऊंगा, आप अपने आप से खुद से भी सोल्व कर सकते हो और वहाँ पर जाकर उसका सोल्यूशन भी देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शुरू में ही वे दोनों वीडियो, मैंने उन वीडियो को दो पार्ट में बनाया है, तो उन दोनों वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपको आई बटन में शो हो रहा होगा ऊपर, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो। चलिए आपका 41 का आंसर हो जाएगा, मैं आपको इसका बस आंसर आंसर बताऊँगा, तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका 224। चलिए और 42 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी 42 नंबर, 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 43 का आपका आंसर हो जाएगा, 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
और 47 का आपका आंसर हो जाएगा, 47 का ऑप्शन सी इसका भी। 48 का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, और 49 का भी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 52 का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, और 53 का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। 54 का आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, और 55 का आपका आंसर होगा, यानी 55 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने इंग्लिश के क्वेश्चनों पर। आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी इसके मैथ सॉल्यूशन की। चलिए, एडवाइज़र का हिंदी में अर्थ क्या है? तो एडवाइज़र का हिंदी में अर्थ होता है सलाहकार। नेक्स्ट देखते हैं, एजुकेट का हिंदी में अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उचित। चलिए, एक्सेप्टेड इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आपका आंसर होगा एक्सेप्टेड का ऑप्शन ए, इसका मतलब है स्वीकार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है विहंद नदी पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी है, मैंने आपको बताया था कि मैं तो रीजनिंग की मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, और इस वीडियो में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ये सारे के सारे जो मैथ रीजनिंग क्वेश्चन है इस पेपर में वे वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाकर देख लीजिए, और अगर देख ली तो कोई बात नहीं, हम इसके आंसर आपको बता देते हैं। तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 82। चलिए, और 61 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 62 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DW। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 तो किस भारतीय राज्य में भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल 2018 का आयोजन किया जा रहा है? तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये गोवा में किया जा रहा है इसका आयोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है? तो ये साझा करता है अफगानिस्तान के साथ, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मोस भारत का निम्न में से किस देश के साथ एक संयुक्त उद्यम है? तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये रूस का एक संयुक्त उद्यम है, रूस के साथ एक संयुक्त उद्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात राज्य की पूर्व में राजधानी कहाँ पर थी? तो 67 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये थी अहमदाबाद में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, गुजरात के निम्न में से किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो ये जिला वो जाए तो नर्मदा जिले में, और नर्मदा नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिक्टर स्केल भूकंप के संबंध में निम्न में से क्या मापा जाता है? तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, परिमाण मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा, ब्रिटिश राज्य में दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो ये थी कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मोटर व्हीकल से आ गया। तो मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में वाहन का सकल भार अधिकतम कितना होना चाहिए? तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो ये होना चाहिए 7500 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RTO के फॉर्म 20 की उपयोगिता क्या है? तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी कार्यरत RTO नहीं करता? तो कौन सा कार्य नहीं करता RTO? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मित वाहनों का ब्यौरा तैयार करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। 74 क्वेश्चन हमारा, यदि आप एक चौराहे की तरफ पहुंच रहे हो और आप यातायात हेतु पीली बत्ती देखते हैं तो आप क्या करोगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, तो आप वाहन को धीमा करके रोक देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपके पास एक प्रशिक्षु मोटरसाइकिल लाइसेंस है तो आप क्या करोगे? तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप मोटरसाइकिल चला सकते हो केवल एक लाइसेंसधारी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। आप एक निजी वाहन में कितने यात्रियों को बैठा सकते हो, यह कहां पर लिखा होता है? तो 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो ये पंजीयन प्रमाण पत्र में लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ट्रैक्टर चालक को अपने साथ नहीं बैठाना चाहिए, तो किसको नहीं बैठाना चाहिए? 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी यात्री को नहीं बैठाना चाहिए, ट्रैक्टर होता है काम करने के लिए, खेत जोतने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो चिन्ह दिख रहा है आपको, यह निशान क्या इंगित करता है? तो 78 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो आगे संकरी सड़क है, ये इंगित करता है। अगला क्वेश्चन, ये वाला जो चिन्ह है ये क्या इंगित करता है? तो इंगित करता है आगे चौराहा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन है वनों के कटाव के विरुद्ध, तो दोस्तों डी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन से गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सी गैस है? तो दोस्तों ये है CO2 गैस, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड किस वर्ष लागू किए गए थे? तो ये लागू किए गए थे सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किस वर्ष डीजल वाहनों से संबंधित प्रथम उत्सर्जन के मानक लागू किए गए थे? तो 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत स्टेज इमिशन का इमिशन स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है? तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से किसकी प्रतिशतता सबसे कम है? तो बताइए किसकी प्रतिशतता सबसे कम है? तो 86 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपका 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे, जो चारों में से है, चारों ऑप्शनों में से कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे कम मात्रा है पृथ्वी का वायुमंडल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे निचली परत को कहते हैं ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी जिस आकाशगंगा से संबंध रखती है उसका निम्न में से क्या नाम है? तो उसका नाम है मिल्की वे, तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से क्या अम्लीय वर्षा का कारक है? तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तो उपरोक्त दोनों यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सी तिथि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 5 जून को, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कारक निम्न में से क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निम्न में से मुख्य कारक है मोटर व्हीकल, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओजोन वायुमंडल किस परत में पाया जाता है? तो ओजोन पाया जाता है आपके स्ट्रेटोस्फीयर में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल निम्न में से किससे प्रभावित है? तो किससे प्रभावित है ताजमहल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट हमारा, CNG एक है, तो CNG क्या है? तो CNG एक साफ सुथरा ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्लोरोफॉर्म कार्बन निम्न में से किस में उपयोग होता है? तो ये उपयोग होता है सभी में, यानी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और परफ्यूम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायु प्रदूषण का कारक है? तो वायु प्रदूषण का कारक है श्वसन संबंधी बीमारियों का। नेक्स्ट हमारा, भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, यानी कि भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष चलाई गई थी? तो ये चलाए गए थे सन 1853 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 का राइट आंसर होगा, संपूर्ण विश्व में निम्न में से कौन सा देश सबसे बड़ा कोयल उत्पादक है, यानी कोयला उत्पादन करता है? तो ये उत्पादन करता है चीन,
तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक कोल भंडार है, यानी कि सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है झारखंड में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंसिल बनाने में निम्न में से कौन सा कार्बन उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है ग्रेफाइट का। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसने या जो भी HM ऑपरेटर की तैयारी कर रहा हो। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहाँ से जाकर ये जो है PDF डाउनलोड कर सकते हो।